दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ एक पति अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपने ही दोस्त को उसके बिस्तर पर सुला दिया। उसके बाद जो हुआ आपको देख लो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे अफेयर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दरअसल दोस्तों, ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के एक गांव से निकलकर सामने आई है। यहां की रहने वाली संध्या की शादी 6 साल पहले आलोक कुमार के साथ हुए थी। परिवार में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पत्नी संध्या भी अपने पति आलोक कुमार को पाकर बेहद खुश थी और उसका पूरा ख्याल रख रही थी। मगर शायद ऊपर वाले को यह सब ज्यादा दिनों तक मंजूर नहीं था और शादी के 3 साल बाद संध्या का पति आलोक कुमार किसी कारणवश लकवा का शिकार हो गया, जिसके बाद पत्नी संध्या ने पति आलोक कुमार को ठीक करवाने के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, मगर वह नाकामयाब रही क्योंकि उसकी तबीयत में ज्यादा कुछ सुधार नहीं आया, जिसके चलते पत्नी संध्या बेहद परेशान रहने लगी। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और इस बीच करीब साल भर का वक्त गुजर गया। पत्नी संध्या अपने शारीरिक सुखों से वंचित रहने लगी। एक रात की बात है जब पत्नी संध्या डॉक्टरों द्वारा दी गई लोकमान्य हयात तेल अपने पति के शरीर में मालिश कर रही थी, तभी अचानक उसके मन के अंदर वासना जाग गई और वह तुरंत अपने पति आलोक कुमार से संबंध बनाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी। पत्नी को परेशान देख पति आलोक कुमार बोला, तुम तो जानती ही हो कि मेरा शरीर अभी पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा है, भले इस सिचुएशन में तुम्हारे साथ संबंध कैसे बना पाऊंगा। जिसके बाद उसकी पत्नी संध्या और भी परेशान हो गई और परेशान होकर वहां से वापस अपने रूम में चली आई और बिस्तर पर लेटकर सो गई। इधर पति आलोक कुमार सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कैसे अपनी पत्नी को शारीरिक सुख प्रदान करूं। इस तरह की बातों को वह सोच ही रहा था तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और आइडिया के तहत वह तुरंत अपने दोस्त प्रदीप कुमार को फोन करके घर बुला लिया। रात के 12 बजे ही थे कि प्रदीप कुमार अपने दोस्त आलोक कुमार के फोन करने पर तुरंत उसके घर पहुंच गया और कहने लगा, क्या बात है दोस्त, जो आज आपने मुझे इतनी रात को अपने घर बुला लिया है, तबीयत ठीक नहीं है क्या। जिसके बाद आलोक कुमार कहने लगा, नहीं दोस्त, मेरी तबीयत तो ठीक है मगर तुम्हारी भाभी की तबीयत नहीं ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी तबीयत ठीक कर दो, मगर ये सब बात हम तीनों के अलावा किसी और को पता ना चले, नहीं तो मेरी बहुत बदनामी होगी। दोस्त प्रदीप कुमार पहले तो ये सब हरकतें करने से साफ इनकार कर दिया, मगर बाद में दोस्त आलोक कुमार के द्वारा बार बार रिक्वेस्ट करने पर वह मान गया। फिर क्या था, दोस्त आलोक कुमार के तरफ से हरा सिग्नल पाते ही प्रदीप कुमार तुरंत उसकी पत्नी संध्या के रूम में पहुंच गया और बगल में लेटकर अवैध संबंध बनाने के लिए तुरंत उसे उत्तेजित करने लगा। संध्या तो पहले से ही उत्तेजित थी मगर पति के दोस्त प्रदीप कुमार के शरीर का स्पर्श पाते ही बेहद ही उत्तेजित हो गयी और खुद को उसके सामने ढीला कर दिया, जिसके बाद प्रदीप कुमार अपने दोस्त की पत्नी संध्या को बाहों में जकड़ कर शारीरिक सुख देने लगा। कुछ देर बाद संबंध बनाने के बाद जब दोनों शांत हुए तो प्रदीप कुमार वहां से वापस अपने घर चला आया, जिसके बाद अब आए दिन प्रदीप कुमार रात के अंधेरे में अपने दोस्त के घर जाकर उसकी पत्नी संध्या की प्यास बुझाने लगा। इस दरमियान धीरे धीरे संध्या अपने पति के दोस्त प्रदीप कुमार की दीवानी हो गयी और वे उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना ऑपरेटर बनाने की ठान ली। एक रात की बात है जब प्रदीप कुमार संध्या से मिलने उसके घर आया हुआ था, तभी संध्या उससे कहने लगी, अब मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ नहीं रह सकती, प्लीज तुम मुझे लेकर कहीं भाग चलो। जवान खूबसूरत दोस्त की पत्नी संध्या के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर प्रदीप कुमार का भी मन डोल गया और वह प्लान के तहत एक रात दोस्त की पत्नी संध्या को लेकर फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित पति आलोक कुमार ने पुलिस स्टेशन जाकर तहरीर के माध्यम से पत्नी संध्या की खोजबीन की गुहार लगाई है। पुलिस पीड़ित पति के तहरीर को गंभीरता से लेते हुए उसकी पत्नी संध्या की तलाश में जुट गई है। फिर हाल खबर लिखे जाने तक पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई है। जैसे ही हमें इस बारे में उचित जानकारी प्राप्त होती है, अगली वीडियो के माध्यम से आप सभी दोस्तों को अवगत करा दी जाएगी।